Hello everyone, this is Ali Rahman and make sure to download the Hum TV app on your phones. अपना करियर बनाना चाहती हो ना तो शौक से बनाओ, लेकिन उससे पहले एक एहसान कर देना मुझ पर, गोली मार देना यार जाने से पहले, क्योंकि जीते जी तुम्हारी दूरी का जहर नहीं पी सकता मुझे। और एक और बात, खुदा की कसम मर जाऊंगा लेकिन अब रोकूंगा नहीं। नीली नीली रोशनी मेरे कमरे में बंद है, क्या करूं, मुझे हुमा पसंद है। तूने ना मेरी आंखें खोल दी हैं, ऐसी की तैसी इन सब बेकरतूतों की। मैं देखती हूँ कौन रोकता है मेरी नूह को बाहर जाके पढ़ने से। शाना, होश से काम लो शाना। चुप करें जमशेद साहब, जाए वहां जाके ना बच्ची के लिए पानी का ग्लास लेकर आए। देखिए कैसे रो रो के आगे किनी मिनी कर ली है उसने। सर हाथ छोड़ो मेरे चिया। मैं नहीं छोड़ सकती, इन झूठी बातों से दिल नहीं बहलता मेरा। मुझे भी तुम्हारे ज्यादा माउथ लगने की लोड़ नहीं है। चंगा जवाब दिता बेबे जी, चंगा कीता तुसी, तू भी मुंह चंगा आ देओ। अब बस मैं और कौन नहीं सुना मैं। छन्नो तू देख ले क्या हो रहा है यहाँ पर। हर है कोई जंजालपुरा है ये। वो ये जा रहे हैं शॉपिंग पे ना, चल क्योंकि मेरा दिन है। चाची ने किनार बिल्लो को लेके जाओ। अच्छा जी, मतास शॉपिंग करने जा रही हूँ, कुछ मंगाना है। नहीं मेहरबानी, थैंक यू। तेरे तो परों की कटिंग ना मैं गजरात आके करूंगी। जाओ जाओ ये दबके किसी और को दो जाकर। और अब हम भी जान के साथ है। अगर भी जान के बारे में किसी ने एक लफ्ज नहीं बोला, खुदा का कसम अब अपना गर्दन कटवा देगा, लेकिन इस पर एक अरब नहीं आने देगा। टॉपक समा कानून दे। और जलाल भाई जन हौसला करो, हौसला करो कुछ। पन्नी बेदी हो के ना निकलो यहाँ से, हैं हर वक्त तीलियां ना लगाया करो। परवीन और शाहना क्या कर रही हैं आप दोनों? बीजान अल्लाह पाक की कसम जो मैंने एक लफ्ज भी कहा हो। बीजान वैसे तो मैंने कभी भी आपकी किसी बात से इत्तेफाक नहीं किया है, लेकिन ये जो आप कहती हैं ना मेरे मेके वालों के बारे में, ये बिल्कुल सच कहती हैं आप। छन्नो शुक्र है तुम्हें मेरी किसी बात का तो सच नजर आया। शरीफ लड़कियों के लच्छन ऐसे होते जिया। जिया बेटा तुमने घर बसाया ना या नहीं? रोटी तक पकानी नहीं आती इसे और कह रही बाहर जाके स्टडीज करूंगी। देखा है बेटा, उस शरीफ इंसान के बारे में सोचो, वो क्या करेगा। हाँ जी, यही तो वो शरीफ आदमी है जिसकी शराफत के चंडे जो है ना मुमताज़ा उसके छत के ऊपर लगे हुए सुबह शाम हवा में लहरा रहे हैं। ताई जी मुझे तो लग रहा है ये सब टीम बन गए हैं। अरे अल्लाह, सारे चीलों की तरह पंजे चाल के मेरी मासूम बच्ची के पीछे पड़ गए। जिसने बात करनी ना हम लोगों से करे। क्या मसला हो गया नजाकत, क्यों जाने नहीं दे रहे से पढ़ने के लिए? जमशेद भाई वो अरसल ये हर क्लास में सपलियां ले लेकर पास हुआ है, निकम्मा सारे जहां का। अब्बा ये ज्यादती कर रहे हैं आप। मैं तुम्हारा बाप हूँ बेटा, तुम बाप बनने की कोशिश नहीं करो समझे। ठीक कह रहा है भाई बेचारा वो, और वैसे भी बीजान नहीं मानेगी। तो बस नीमा फिर हो गया ना फैसला है, अगली पंचायत जो है ना वो अब जाके बीजान के कमरे में ही लगेगी। सांप ही लिए मासूम बच्ची का सांप। खत्म करो उस किस्से को। जमशेद भाई मेरा तो वैसे ही शुगर लेवल डाउन रहता है, इन सब बातों की वजह से मैं क्या करूं? इसको चुप करवाओ। एक तो इन पेशावर वाले ने मिस कॉल मार मार के हमारा खाना खराब कर दिया। वो क्या बस जलाल पायन, पायन एक गाल तो सुनो। ओ ये पायन किस मलाक का नाम है, हमको गालियां दे लो। पायन मत बोलो, ज्यादा मखौलियां ना करो। मैनु ना किसी मॉल शॉल ते ले चलो। वो मनहूस जोजी दी तो नहीं, पर कंजा की शादी के लिए ना कुछ शॉपिंग वॉपिंग करनी है मैंने। अब पूरी बरादरी को मुंह मत्था देना है। ये तुम हमको बोलते? जाहिर है। ओ खुदाया, हमको तो यकीन नहीं आता अपनी किस्मत पर। आज हम बहुत खुश है, नाज करता है हम अपने आप पर। तुसी ना इत्थे बह के आप नु यकीन दिलाओ, मैं जरा लेपा पोती कर। लेपा पोती मतलब मेकअप? वो तुम ऐसा करो, गुलाबी सूट पहनो, वो तुम पर बहुत पॉपुलर लगता है।
परी दे उते ते हर रंग ही जचदा है। जलाल बीजन कमरे में बुला रही है सबको। वो हम जरा एक जरूरी काम के सिलसिले में बाहर जा रहा था। खैर से किधर की तैयारी है? ऐसे हवा खोरी कर रहा था। चले मेरे साथ आ जा। डेले घुमा आपने। क्या हो गया अम्मा? ये जो तू आंखों ही आंखों में मेरी नूह को खाने की कोशिश कर रहा है ना, मैं तेरी हरकतें चंगी तरह जानती हूँ। शाहना भाभी अब बहुत ज्यादती करी अरसल के साथ। अड्डा ये मासूम, ये सारी आग तुमने लगाई है ना तुमने। ठीक है निमा, लग गई आग, फोन कर ले फायर ब्रिगेड को जाके। अब तो भाभी सारे फोन जाएंगे बीच जान से। चलो बेटा चल। इन्होंने ना हम सास नूह को बड़ा इजी ले लिया, तू आ मेरे साथ, मैं देख लेती हूँ बी जान को। जिया ये बाहर जाने वाला खन्नास फिर समा गया तुम्हारे दिमाग में? ना बी जान, इसमें खन्नास वाली क्या बात है, ये तो हम सब के लिए अजाज वाली बात होनी चाहिए है। क्यों, ये कौन सा चांद पे कदम रखने जा रही है? आला तालीम हासिल करना जो है ना वो चांद सितारों पे कमंद डालने के बराबर होता है, अगर कोई समझे तो। अल्लाह को मानो शाहना, खुदा खुदा करके इसकी शादी हुई है कि अब फिर बोरिया बिस्तर लपेटे और कहीं और चली जाए। बीजान मैं बहुत समझाती हूँ शाहना भाभी को। अरसल का क्या होगा बीजान? मेरे साथ कारोबार संभाल ले। हाँ जमशेद, मैं भी सोच रही थी कि तुम अभी तक कूदे क्यों नहीं हो अपनी बीबी की हाँ में हाँ मिलाने। बीजान ठीक ही तो कह रही है वो। हाँ वो तो हमेशा ठीक ही कहती है तुम्हारी नजर में। लाल पायान आ भी जाओ, रह गए लाल पायान। हमको एक बहुत जरूरी काम है, हम जरा बाहर से होकर आते हैं। बेटा पहले मसला हल कर लो, एक जगह बैठ के चैन से किन बातों में उलझ रहे हो तुम लोग? ये आगा जी मसला तो हल का हल है, बस मैंने कह दिया है जिया बाहर पढ़ने के लिए जाएगी तो जाएगी। ऐसे ही जाएगी? ये ज्यादती है अरसल के साथ ना। अरसल को कौन सा कीड़ा काट रहा है, यहाँ पे बैठ के बाप का कारोबार संभाले तो कब तक घर बैठ के रोटियां तोड़ता रहेगा है? ये बार बार किसकी कॉल आ रही है? वो चेस का भी कॉल आ रहा है, तुमको किस बात का तड़प है? कॉल आ रही क्योंकि भाजी मैना बार बार फोन कर रही है, फोन क्यों नहीं अटेंड कर रही? अब मैना को कॉल है, मैना का कॉल है, हम अभी कॉल सुनकर आते हैं, मैना का कॉल। आगा जी आप खुद अपने मान से बताएं, हैं ऐसी कौन सी अनहोनी ख्वाहिश काट दी है मेरी नूह ने कि उसका नाम ना चोर और मैके वाले हाथ धो के इसके पीछे पड़ गए। तालीम हासिल करना हर इंसान का हक है, हक है इस बच्ची का। वैसे बात गलत नहीं है, पढ़ना उसका हक है, और भाई लंदन में घर है माशाल्लाह अपना, अरसल जाता रहेगा ना वो। लो बड़े मियाँ को भी याद आ गया अपना घर। बीजान ठीक ही तो कह रहे हैं आगा जी, हैं इनका घर भी जिया का ससुराल ही होगा, अपने ससुराल में रह रही होगी। गल मुकदी मुकाओ, खत्म करो ये टंटा बीजान। अब लंदन को भी ससुराल बना दिया तुमने, मैं कौन होती हूँ रोकने वाली। चलो भैया हो गया फैसला बीजान, लेकिन अच्छा बस अब और कोई बहस नहीं होगी, फैसला हो चुका है, दिया जाएगी पढ़ने और अब इस पर कोई बहस नहीं होगी। चलो बस जाओ शादी की तैयारियां करो। हाय सल्लू, सल्लू पुत्र जो तुम परेशान, मैं देखती हूँ उसको। सल्लू बात सुन मेरी, मैं विजय जलाल को देखा। देखें जरा उसको। चले जाओगे जब मुझे छोड़ कर तुम, तुम्हें याद क्या मेरी आया करेगी। वेलकम। वाओ
आज तुम जीत गई जिया। मतलब छोड़ो, लेट्स सेलिब्रेट, जश्न मनाते हैं तुम्हारी खुशी का। आफ्टर ऑल बहुत बड़ा तीर मारा है तुमने, जश्न तो बनता है मेरी जान। बहुत शौक है ना तुम्हें मुझे छोड़कर जाने का। तो फिर हो गया फैसला, अब से तुम अपनी राह पर चलोगी और मैं अपनी। एक लफ्ज भी मत बोलना जिया, एक लफ्ज भी मत बोलना। पहले मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दो। इनफैक्ट कहने और सुनने को अब कुछ रहा ही नहीं है जिया, क्योंकि तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। सब खत्म कर दिया तुमने? असल मैं कोशिश कर सकती हूँ कि जैसे सब कुछ पहले था वैसे ही हो जाए, पुराने जैसा। पहले जैसा कुछ नहीं रहा जिया, पहले जैसा कुछ नहीं रहा। हाँ लेकिन एक चीज रहती है, पेरेंट्स को मनाना वो मैं मनाऊंगा, डोंट वरी। तुम्हारी खुशी अजीज है मुझे। सर मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं तुम्हें कोई गलत फैसला नहीं करने दूंगी। गलत और सही का तो नहीं पता मुझे जिया, लेकिन एक बात जानता हूँ, शुरू तुमने किया था खत्म मैं करूंगा, जो तुम्हें सारी जिंदगी याद रहेगा। क्या करने वाले हैं? वही जो मुझे करना चाहिए जिया, क्योंकि उसके अलावा और कोई हल ही नहीं है। क्या? तुम अपनी स्टडीज के लिए बड़ी से बड़ी कीमत भी चुका सकती हो ना? ऑफ कोर्स। तो फिर मेरी फिक्र छोड़ और सिर्फ अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, क्योंकि मैं अभी और इसी वक्त में। एक लफ्ज आगे मत कहना अरसल। सुनना पड़ेगा जी। मैं नहीं सुनना चाहती हूँ। सुनने की हिम्मत पैदा करो जिया। मर जाऊंगी अरसल। मैं ना बोला तो मैं मर जाऊंगा जिया। फैसला कर लिया, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा जिया। कहाँ? लंदन। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता जिया, यहाँ अकेला। जिया मैं समझी, शायद मुझे क्या, शायद मुझे लगा मुझे छोड़ रहे हैं। जिया तुम मुझे छोड़ सकती हो, मैं नहीं, इसलिए तो छोड़कर जा रही हो मुझे अकेले। एक बार भी निकाह के साथ चलो। मुझे जहन में नहीं आया सच्ची में। मुझे अपने दिमाग में नहीं, दिल में रखो जिया, फिर मेरी कोई बात नहीं भूलेगी तुम्हें। आपको मैं आप नहीं कहेगा ना, मेरे पैरों से जमीन जमीन की इजली है ये। और जो तुमने पूरा आसमान उठा के मेरे सर पे मार दिया था वो? मेरी हार्ट बीट अभी तक इतनी तेज चली है, अभी मुझे ऐसी बात नहीं करना, ठीक है? मैं अंदर आऊं। तुम्हें पता है बीजान के कमरे में ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे सीने से दिल ही निकाल कर ले गया हो। मुझे रोना तो बंद करो। नहीं कहूंगा, लेकिन तुमने एक बार भी नहीं मुझे कहा साथ जाने को। I'm sorry, Nika. लेकिन मैं जाएगा ना, हम दोनों जाएंगे साथ। मिठू बेटा क्या कर रहे हो बेटा? आपने आज अपनी आंखों की दवाई नहीं खाई? बीजान की केतली ठीक कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ। जा मेरा बेटा, भाग के ना छत पर जा, देख क्या टंकी में पानी है या नहीं, वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा। जी मामू। मामू नहीं यार, मरोड़ रुक गया मेरा। अंकल, अंकल कहते हैं बेटा। मुबारक हो पूरे के पूरे टब
गोबर को। किस बात की? पानी की मोटर सड़ गई है। हैं? हाँ जी, पूरे घर में मनादी करवा दे के कोई भी ना अन्य वाह पानी इस्तेमाल करने की कोशिश ना करे। तो पानी तो पहले नहीं आ रहा था, मैं प्लम्बर को फोन करूं? आए हाय, खलो जा नजाकत भाई, क्या हो गया है? प्लम्बर को क्यों? ये बैठा है ना यहाँ पे परवीन बीबी की फखरिया पेशकश, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सुपुर्दगीन। ओहो मासी, सुपुर्दगीन। आज सुपुर्दगीन। ओहो सुपुर्दगीन। भाई पुत्र जड़ा भी जल्दी कर ले, जो भी है। इसको करंट लग जाएगा। अब अगर इसको करंट लग गया तो फिर इसकी मां रोएगी, और इसकी मां को मैं रोता हुआ नहीं देख सकता भाभी। नजाकत भाई, ये बात नीमा ने सुन ली ना, फिर जो आपने रोना ना, पूरे खानदान ने बैठ के बाद जमात देखना है आपको। चल उठ जा। मासी एक मिनट, एलो केतली ते हो गई, ओके फाइन, अगला काम दस। चल उठा, अब जेड़े जेड़े भी ना तेरे हथियार औजार और ये पेचकस वगैरह, चल आ मेरे साथ। मासी तुसी ऐ फड़ो ते मैं ना बेबे को लो पूछ के आया। ना पुत्र, बेबे से पूछने की जरूरत नहीं है, तेरी बेबे जो है ना इस वक्त ठंडी मस्त हवाओं की ना सहरे कर रही होगी जलाल पायजन के साथ, मोटरसाइकिल पे शॉपिंग करने गई है। अरे जलाल पायजन जरा छेती कर लो है, मैं ना निका बतूंगड़ा कल्ला छड़ के आई घर। परिजन परिजन, कभी तो मिठू को भूल जाओ, ये बताओ जाना किधर है? सस्ती सी मार्केट में ले चले हैं, मैंने कटिया का जोड़ा लेना है चोची दे वोटी दे वास्ते। अब की करा, सिदारी जे हो गई है ते मुंह मथा ते देना पड़ेगा ना। वो चक्कर ये है भाई जान, के तुम फिकर मत करो, बेगम हो जाओ, पेमेंट हम करेगा। शाबाश। वो क्यों गई हुई है? हाय नजाकत भाई, है मैं उसकी फूफी नहीं लगती जो मैं उससे पूछती, और जरा ना आराम से बात करे, काम खराब ना हो जाए। हाँ ना बेटा, तुझे करंट लग जाएगा यार। हाय नजाकत भाई, इसकी इतनी टेंशन हो रही है ना, तो इसके बाजू पे ना वो हफाजती तवीज बनवा दे आप। हैं मामू, आपने टेंशन ही लेनी, मिठू है ना। जा मेरा बेटा करंट खा। नजाकत, वो जलाल को देखा है? ओहो मैं बताऊं, मैं बताती हूँ, मोटर खराब हो गई, जल्दी आजा मेरे पुत्र। बेहतर है कि तुम खुद ही देख लो, वो जो दूसरों को देखता फिर रहा है ना, बाद में रोती फिरोगी तुम। अल्लाह ना करे, आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये कहाँ निकल जाते हैं, बार बार मैना का फोन आ रहा है पेशावर से। तो रिसीव करो ना। वो जलाल ने इजाजत नहीं दी फोन उठाने की, वरना मैं उठाना लेती। सदके उसकी गैरतों के, खुद पता नहीं अजीबोगरीब हरकतें करता फिर रहा है और दूसरे फोन भी ना उठाए। वाह छोड़े ना, आप तो उस बेचारे के पीछे ही पड़ जाते हैं। बेचारा नहीं, अबारा, अबारा है वो। मैं किनसे जाके देख रही हूँ। देखो मिठू जल्दी कर ले यार, असल वीजा रिक्वायरमेंट्स में था कि उन्हें बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए। तो अब्बा किस दिन काम आएंगे? ताया अब्बा की बैंक स्टेटमेंट चल जाएगी? चल जाएगी, दौड़ेगी दौड़ेगी, लेकिन तुम कहोगी अब्बा को। क्यों, आपको क्या प्रॉब्लम है? यार मेरी शक्ल देख के लग रहा बिजनेस याद आ जाता है ना। चलो ठीक है, फिर मैं कर दूंगी। ये घी गानी चलेगा जी? हाँ तुम्हारी क्लासेस शुरू होने वाली है, उससे पहले पहले ये पूरा प्रोसेस खत्म करना है वीजा का। हाँ ये भी आप ठीक है, तो फिर जल्दी करना चाहिए ना। चलो सुनो ना, ये कॉफी का टाइम तो है, ये फॉर्म फिल कर करके ना दिमाग खराब हो गया, प्लीज बना दो। ठीक है फिर आ जाओ किचन में मेरे साथ। पहले तो अकेले पढ़ने बाहर जा रही थी, अब किचन में भी नहीं जाया जा रहा मेरे बगैर, क्या बात है। एंड अगर आपने ऐसी बात की तो मैं जान निकाल दूंगी। आप तो छुट्टी में बात क्यों निकालोगी? बस बात तो फिर मैं तो बात ही करवा लूँ ना। चलो हैरिस जाएंगे। हैरिस वो बेचारा कैसे रहेगा अपनी बीवी के बगैर? भाई कुछ नहीं होता नीमा, दो साल है, कोई दो सदियां तो नहीं यूं चुटकी बजा के गुजर जाने ने। मेरा तो दिल ही टूट गया, उसकी शक्ल देखी, इतनी शक्ल निकाली हुई थी, इतना तरस आ रहा था मुझे उस पे। नीमा ये जो सल्लू है ना पूरा मरासी है, जरा सी शक्ल बनाता है ना तो अगले इंसान को ना रोना आना शुरू हो जाता है, तू बस इग्नोर कर इसको। सीधी चाय बनाओ अपने चाची के साथ में ना। मैं सदके जाऊं पुत्र, तुम दोनों की कोई दीन अमान है कि नहीं है? क्यों क्या हुआ ताई जी? आए ये बताओ मुझे, थोड़ी देर पहले तो एक दूसरे के खून के प्यासे हुए फिर रहे थे, है अब चाय एक दूसरे पे वारी जा रही है और नगटों की ऑफरें हो रही हैं, क्या चक्कर है? अम्मा वो मैं ना जिया के साथ बाहर जा रहा हूँ। अच्छा बेटा, रात को ना खाना घर पे खा रहा, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्पेशल कीमा करेले बनाऊंगी। नहीं अम्मा,
दरअसल ना वो मुल्क से बाहर जाने की बात कर रहे हैं। जी पुत्र, ये जो शर्मा शर्मा के नवा कट्टा तू खोल रही है, इस कट्टे के ऊपर जरा रोशनी डालना। अम्मा असल में ना मैंने फैसला कर लिया, रह नहीं मैं सकता इसके बगैर, तो मैं साथ जा रहा हूँ इसके लंदन। मैं तेरे फैसले पे बारी जाओ, कारोबार तेरा पियो संभालेगा पीछे। अम्मा वही तो संभाल रहे हैं, 2 साल और संभालने से कौन सी क़यामत आ जाएगी। क्यों जिया ना ताई जी, मैं भी सच में इनके बगैर नहीं रह सकती। लो जी, यहाँ पे तो इनके किनके कौन के शुरू हो गए हैं। ये बातें ना मेरी समझ में नहीं आती, तू ही बैठ के समझ। मैं जाके जरा देख के आऊँ मिठू को कि मोटर की टैंकी ठीक की है उसने कि नहीं की है। इतनी बुरी बात है, फिर आ गई इस लोमड़ी की बातों में है? अब खुद ही निपटना इससे, मेरे से कुछ नहीं होगा। लोमड़ी साथ में ना किस भी बना दो, इंग्लिश टी बना दो प्लीज। अच्छा अमीर, अमीर दादी का फोन है, ये बाप से बात करवाओ। पापा घर पे नहीं है, दादी गुस्से में है। पकड़ी अस्सलामुअलैकुम दाजी, कि कैसे हैं? वो जलाल ना जरा बाहर निकले हैं। जी क्या वो आ जा रही है अभी? अच्छा अच्छा ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। इसने कहा था ये मनुज फोन उठाने को, बाप ने भी मना किया था। क्या करती, दाजी का फोन आया था तो गुस्सा करते हैं। आपको पता है नेक्स्ट फ्लाइट लेके कराची आ जाते हैं। अब वो पटाखा मैना की बच्ची आ रही है। मैना है। किस बात पे खुश हो रही हो? उसे पता चलेगा ना तुम्हारे शरीर का निकाह हो गया है तो पेशावर से कराची तक तूफान आ जाएगा। अब मैंने इसके बारे में तो सोचा ही नहीं था। अरे बाप को फोन करो, उसे बताओ इस मुसीबत का, उसकी फ्लाइट तो पहुंच गई होगी एयरपोर्ट। वो तो ठीक है, हम उन्हें फोन कर लेंगे, लेकिन हम निकाह कैसे छुपाएंगे मैना से? अब ये तुम्हारे बाप का मसला है। कितनी बार मैंने कहा था कि बता दो, लेकिन उसे बड़ी राजदारी का शौक है। ठीक है हम बाबा को फोन करते हैं, लेकिन तब तक आप सबको बताएगा कि प्लीज मैना के सामने निकाह का नाम भी मत लें। क्यों आ रही है जलाल की भांजी? मलका, तुमने क्या समझा था? वाह बेसा, तुमने क्या समझी थी? तुम जैसे पजूर लोगों के लिए पजूर बातें सुनने आई हूँ मैं, अंदर चलेगी किसी जनानी को? तुम्हें पता नहीं हम दरिया खान का नवासी, जलाल खान का भांजी और जब्बार खान और अकजई का पोती है। किसका पोती है ये देखो। और एक और बात, हम गुलखाना, शमशीर खाना, जहीर खाना, रमीज खाना, रीम खाना और सलीम खाना का इकलौता बहन है। कितने भाइयों का इकलौता बहन है? एक तो ना लड़के ऊपर से लड़की को तंग करते हैं, ऐसे तब पर लगाऊंगी रस्सियों पे, खावर पे जाएगा जे मारा शक्ल दे रखे का। बाबा जी ये कह रही हूँ कि शक्ल गायब करो। तुम क्या खड़े है, तुम भी शक्ल गायब करो, मना पागल समझ के रखा है। जिनके बच्चे वो परियों पर आज की मशूकी बाद में करना, वो पहले ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ अपना। वो तो नहीं हमारे पास। वो फिर इस जम्बू जेट के कागजात दिखाओ। वो भी नहीं है हमारे पास। तो बंदे मारने का परमिट दिखा। और ये परी कौन लगती है तुम्हारी? ये हमारा बीवी है। अरे हाय जलाल पायान, पूछते मतलब शर्मो हयानु हट लाओ। अब मैं, मेरा नाम ना परी है, गुजरात तो आई हूं, यंग बेवा। ओ इस बेवगी का फैसला तो थाने चल के होगा जी। ओ मुझे तो लगता है आपके शोहर को इसी ने खाने में जहर डाल के दिया है, वो शकल से ही जुनूनी कातल लगता है। ना जी ना। ओए अभी बुलाता हूँ पुलिस मोबाइल, तुम्हें लेके चलते हैं मेहमान खाने और वहाँ खुलेगी सारी राम कहानी। भाई जान हम पे कुछ, चुप। मौसम देखो कितना प्यारा, तुम्हारा बीवी नहीं। थाने चल के सारा फैसला होगा। हाँ मोबाइल लेकर आ जाओ जल्दी। यार दो बंदे उनको थाने लेके जाना है। तुम पर अल्लाह मेहरबानी करेगा, थोड़ा सा जल्दी ले आओ बस। हाँ ओके। क्या हुआ है?
मुझे एकदम से ताई जी के एक्सप्रेशन याद आ गए। तुमने देखा था उन्हें जब हम उन्हें बता रहे थे कि हम जाना चाहते हैं बाहर? है ना, जजी के एक्सप्रेशन देखे थे, इतना मुंह खुल गया था यहां तक नजर आ रहा। यार वैसे कसम से मैं हैरान हूँ कि ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। कौन सा आइडिया? यही कि मैं अपने लाइफ पार्टनर, अपने क्राइम पार्टनर को यहाँ पर अकेले छोड़कर लंदन कैसे जा सकती हूँ? तुम वो ही डफर दिया, मैं कोई चीज पहली दफा में समझ ही नहीं आती, लेट ही आती हमेशा। हाँ हाँ, जैसे तुम तो बड़े अकलमंद हो ना। तुम नहीं, आप ना भाई। एक से मामा की कॉल आ रही। हेलो यार, मेरी बात सुनो, तुमने यहाँ आना था, तुम आई क्यों नहीं? जिया मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे घर आ रही हूँ उस मिट्ठू को कत्ल करने। अगर हो सके ना तो उसे पिंजरे में बंद करके किसी ऊंची जगह लटका देना। क्यों, उस बेचारे ने क्या किया? बेचारा नहीं है वो, तुम्हें पता भी नहीं इतना चीप शेर भेज रहा है मुझे। उसे तुम्हें पता से क्या लिखा है? उसने लिखा, नीली नीली रोशनी कमरे में बंद है, क्या करूं, मुझे हुमा पसंद है। तुम सोच भी नहीं सकते चीप है ये। यार मुझे नहीं लगता कि मिट्ठू ऐसा कर सकता है। लेकिन जिया मैं उससे कत्ल जरूर कर सकती हूँ। मैं आ रही हूँ तुम्हारे घर अभी इसी वक्त। क्या हुआ? हुमा थी, काफी गुस्से में थी और कह रही थी, मतलब बता रही थी कि मिट्ठू पर कोई अखीर मोहब्बत का जुनून सवार हो गया है और वो उसे शेर लिख लिख कर भेज रहा है। मिट्ठू? कौन सा शेर? इरशाद। नीली नीली रोशनी। इरशाद, इरशाद। नीली नीली रोशनी कमरे में बंद है। हाय 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 हाय, मुकर्रर। नीली नीली रोशनी कमरे में बंद है, मैं क्या करूं, मुझे हुमा पसंद नहीं। दोर फिटे मुंह इसका, नाकी कसम ये मेरा। मुझे नहीं पता लेकिन उसने भेज दिया है। चलो इसके पास चले, नीली नीली। अच्छा सुनो प्लीज, मुझे याद दिला देना कि कल हमें पासपोर्ट ऑफिस जाना है। हाँ, और बैंक स्टेटमेंट लेके जाना, मुझे याद कराना, उसके बगैर कोई किसी काम का नहीं। अच्छा Cheers. So, you're new in London? You just moved here? Yes, we just moved here. Oh, wow. You live where, like 2-3 from here? Yes, yes, just there, right there, that block. Oh, wow, and you here for? Studies. Oh, my God. Wow, I also just moved here. Really? With whom? Yeah, with my wife. Ah, that is incredible. Oh, let's go. Cheers. मठू इंजीनियर मैसेज क्यों नहीं आ रहा यार? ए कौन है इस वक्त यार? खलो यार एक मिनट, बुलाओ ककना। सबर ही नहीं है, कौन आ गया यार? कौन है? मैं जमान हूँ, मैं ना। और आप कौन? मैं जी मिट्टू, सुबुक्तगीन चक्ते वाले का अल मशहूर इंजीनियर, बेबे का बेटा। हाँ, कौन बेबे? ले बेबे नु कौन नहीं जानता,
जलाल अंकल ने उनकी बेगम, उनकी पापी, उनकी चचेरा बहन। मड़ा जो भी हो तुम, ये सामान उठाओ अंदर चले ले, मैं कूली लगा। मड़ा मैं खुद ही उठा लेती हूँ। एक मिनट बीबी, ऐसे ही रुक जाओ। कराची के हालात ना बड़े खराब है। हैं जी, मैं ना अंदरों पूछ के आया, हिलना नहीं तुसी। बिल्ला का बात सुनो, तुम कौन है? ये मेरे मामू जलाल की ससुराल है। तो भरेगा एक इंजा ए मुमानी जाना चलते ये। और ये कौन पागल चौकीदार खड़ी किए यहाँ पे? पागल कह देता है मैंनु। देखें बीबी, बीबी नहीं, मैना नाम है हमारा। समानु मैना दे, अब क्या गर्दन पे लिखवा लूं मैं? आप मैना से मैं तोता मिठू। और वैसे भी अंदर मैं आपको जाने देना नहीं, क्या पता कोई वारदात कर दो। हैं वही वारदात? लगता तुम निवाने तो नहीं हो। तुम्हें भी शायद नहीं पता, मैं 6 भाइयों का इकलौता बहन हूँ। जबान से कम हद से ज्यादा बात करता हूँ। सातवा भी होता है, हो गया। मैं भी बेबे तक पूछते ना। किंजा, किंजा, जमा मम्मी, जमा खस्ता मम्मी, समझे? तो खुजान बदल के लाया आ रहे, ऐसे कोई करता है, ऐसे कोई माता आंखों पे रखता है। यो महीना के यो कलम ना देखा लिप द्रोग मा हुआ खामासा। और मुझे कॉल नहीं की कह रहे, लेकिन गुलका में को भी कॉल नहीं किए पे खबर। में इतनी नाराज है तुमसे, आओगी तो बात भी नहीं करेगी तुमसे। अस्सलाम वालेकुम। जामड़ा हमें कॉल नहीं किए, जो सख नाराज, ऊपर से ये गेट पे हमें पागल तो कर गई यार। ओए तुझे शर्म नहीं आई? एक इस्लामी जमहूरिया मुल्क में एक शरीफ और बेवा औरत को जबरदस्ती अपनी बीवी बताते हुए। अब शरीफ और ना यंग बेवा। साहब क्या करें हम, वो जबान पिसल के हमारा। ओए पहले तेरी टांग फिसली और फिर दे मार 4.5, ऊपर से तू नाके पे भी नहीं रुका, पुलिस वालों के साथ मस्तियां, बड़ा जीदार है भाई तू। साहब हम क्या बोले तुमको, हम पिखावर से नहीं आना है, इधर आए मुसाफिर। और इसके वाली वर्षों को फोन करो इसकी जमानत के लिए। और आप भी जरा ख्याल करें, क्या जरूरत इस पेशावर के डोडो के साथ निकलने की? ओ थानेदार साहब, मैं तो उसको ना भला माने समझ के बैठ गई थी नाल, मुझे क्या पता था कि ये इतनी बड़ी चवल मारेगा जलाल पायान। वैसे इरादे ठीक नहीं लगते इस पायन के। और इरादों की जांच पड़ताल बाद में कर लेंगे, पहले फोन तो करो इसके होते सोतों को। ओके सर। मेरे ख्याल आपका फोन बजते है। हाँ बेबे, बेबे किथे रह गई है? एक गल आई है बेबे। पुत्र इतने बड़ी मुसीबत आई है, मैं बाद विच करांगी गल। है मैं जब करांगी ना तब फिर दसती मैंने चुगलियां सारी, हिलाले बात नहीं हो सकती। चल बेबे तू कह रही है तो फिर ठीक है, छेती ना ला जा। एक गल आई है, किधर जा रहे हैं? क्या मसला है? देखने रहा तो सुन जा रहा हूं। मैप तो तुम, मेरे पास ना बहुत ही बड़ी खबर है, इधर आ मैप। मैना, मिठू, जमशेद भाई, जमशेद भाई वो मैं भूलो भी यार। जमशेद भाई आप जलाल भाई को समझाते क्यों नहीं? अरे मैं क्या समझाऊं यार, वो समझे समझाए आए पिशावर से। क्या जरूरत थी उन्हें परी को शॉपिंग पे ले जाने की? परी नहीं, परवीन। हाँ वो परवीन। जलाल को समझाने से बेहतर है कि तुम खुद को समझा लो। हाँ समझने की कोशिश कीजिए, हमारी इकलौती बहन के घर का मसला है, आप समझे जमशेद भाई। मुझे तो ये मासूमा का कम और तुम्हारा मसला ज्यादा लग रहा है, तुम भी थोड़ा समझने की कोशिश करो मेरे भाई। वो परी थी, अब तुम इस परी से जरा परे रहो, समझ गए ना? समझ तो मैं गया था जब बिल्लो आई थी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ जिया बेटा, सब खैरियत? वो तायबा आपसे अकेले में कुछ बात करनी थी। जिया बेटा मैं तुम्हारा सगा बाप हूँ बेटा,
मुझे पता है अब्बा, लेकिन आपने ही तो कहा था कि शादी के बाद अब मेरे असल पेरेंट्स ये हैं। लो जी, हमारी बिल्ली और हम ही कोई नहीं हो। हेलो जी, जी जी बात करो। कहाँ, कौन से थाने में? अच्छा अच्छा अच्छा, हम हमारे हमारे ओके ओके जी। नाता तुम ठीक कह रहे थे, चलो मेरे साथ। वो जिया बेटा, मैं आके तुम्हारी बात सुनूँ। हाँ हाँ ओके जी। कब तक ठहरेंगी आप? मेरी बात सुनिए, सब भूल कर किंजा की बरी का इंतजाम कीजिए, वो तो आपको बनानी ही पड़ेगी। क्यों, किस खुशी में भाई? अरे किस खुशी में का क्या सवाल है, आपकी भांजी है और मुझे ये औरतों की खरीदारी का क्या पता। हाँ तो मशवरा करो ना नगीना बेगम से। अरे मैं, मेरा उससे क्या लेना देना, मैं उससे मशवरा क्यों करूँ भाई? हाँ तुम्हारा लेना देना हो या ना हो, लेकिन वो तो तुम्हें अपने गले का हार बनाना चाहती है ना हर वक्त। वो एक ही हफ्ते की तो बात है, बस बर्दाश्त कर लो मुमताज। बर्दाश्त ही कर रही हूँ, तभी इस घर को चिड़िया घर बना लिया है। जिसको देखो मुंह उठाए सूटकेस घसीटता हुआ चला आ रहा है घर में। भाई घर ना हो गया, होटल हो गया। अरे अब मेरे नाजुक कंधे के ऊपर रख के क्यों तोबे चलाई जा रही है दूसरों का नाम ले लेकर? हैं हमारा, हम जो हमें सुनानी है हमें सुना दे, हम चले जाते हैं सामान उठा के अपना। खुदा को मानो शाहजहां, हर बात दिल पे लेने की आदत नहीं गई तुम्हारी। खैर दिल पे तो बात दिल वाले ही लिया करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, या अल्लाह खैर अब क्या ब्रेकिंग न्यूज है, जरा सांस लेने दे मुझे। अच्छा ठहर, हाँ बता क्या हुआ है अब? कुछ लाल फूफा के खानदान से ना कोई आया और वो कह रहे कि किंजा बाजी उनकी भाभी हैं। क्या एक और? अरे जाओ मियाँ जाओ, हाँ बखान, ना किसी ने आना था ना किसी ने जाना था, तुम्हारे कान बचे होंगे, मियाँ जाओ यहाँ से। नहीं आगा जान। अब डीजे बेटा तुम जरा वापस आओ, जाओ सब हमें बात करनी जरूरी। अब क्या हुआ अब? वो बीजान जलाल भाई को और प्रवीण को पुलिस पकड़ के ले गई है। क्या पुलिस पकड़ कर ले गई है? क्यों, क्या किया उन्होंने? स्मगलिंग कर रहे थे क्या? जलाल भाई मुंडी घुमा के बातें कर रहे होंगे ना, पुलिस की बाइक में टक्कर मार दी उन्होंने। खुदाया, थाने ले गए है ना, तो उनसे कहो अब वहीं एक हफ्ता तो रखें, घर में कुछ तो सुकून हो। परी भी तो, परवीन भी तो है। ये आप बुगज़े परी बे अपने ही दामाद को हवालाते बंद करवा रही हैं। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, चलो मियां थाने चलकर देखेंगे क्या मामला है। मेरी तो तबीयत खराब है, बदहजमी चल रही है, दिल घबरा रहा है। इस बीमारी की पोटली को तो अपने साथ ना लेकर जाओ शाहजहां, ये ना हो कि थाने से सीधा अस्पताल जाना पड़े, वहां पर भी तो दिल का मामला है। चल मियां पुराना ही सही। हां वो मैं कह रहा था परवीन को छुड़वा लें, वो उनका कुछ मुनासिब सा कर लेंगे जलाल भाई का। बस रहने दो, अपनी तबीयत संभालो, जरा दवा खाओ। सही